हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थार महोत्सव एवं राजस्थान दिवस समारोह 2022 शोभा यात्रा में थार वासियों का उमड़ा हुजूम। विजय गर्ग थार श्री एवं चंचल जांगिड़ बनी थार सुंदरी, रसा कस्ती दादा पोता दौड़ सहित प्रतियोगिता में दिखा अपार उत्साह। जिले की लोक कला संस्कृति इतिहास पर्यटन एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किए जाने वाले थार महोत्सव एवं राजस्थान दिवस समारोह 2022 का शुभारंभ सोमवार को भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। गांधी चौक से प्रातः जिला कलेक्टर लोक बंधु एवं जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अति जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बिश्रोही, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रत्नू, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह, उपखंड अधिकारी बाड़मेर रोहित चौहान, आयुक्त नगर परिषद दलीप पुनिया, पर्यटन विभाग जैसलमेर के सहायक निदेशक कृष्ण कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। शोभा यात्रा में सबसे आगे थार महोत्सव के बैनर के साथ कलाकार तथा उनके पीछे सीमा सुरक्षा बल से सजे धजे ऊंट हाथी घोड़े बीएसएफ एवं पुलिस विभाग के बैंड दल ढोल थाली एवं नगाड़े बजाते स्थानीय एवं विभिन्न प्रांतों से आए कलाकार एवं रंग बिरंगी पोशाकों में सिर पर मंगल कलश लिए महिलाएं एवं बालिकाएं चल रही थी। इसी प्रकार गैर दल ऊंट गाड़ों पर सवार लोक कलाकार गाते बजाते चल रहे थे। शोभा यात्रा का आम जन में खासा उत्साह देखा गया तथा जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा गांधी चौक अहिंसा सर्कल एवं नेहरू नगर पुलिया होते हुए आदर्श स्टेडियम पहुंची। शोभा यात्रा के आदर्श स्टेडियम पहुंचने पर जिला कलेक्टर लोक बंधु ने थार महोत्सव के कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इसके बाद विभिन्न रोचक प्रतियोगिताओं का सिलसिला शुरू हुआ। ढोल वादन प्रतियोगिता में राजू खां प्रथम, मंजूर खां द्वितीय एवं जोगा खां तृतीय स्थान पर रहे। इसी प्रकार ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता में हनुमान सिंह का ऊंट प्रथम, सुधीर यादव का ऊंट द्वितीय एवं मदन सिंह का ऊंट तृतीय स्थान पर रहा। साफा बांध प्रतियोगिता में छगन लाल प्रथम, जसू खां द्वितीय एवं मोहब्बत राम तृतीय स्थान पर रहे। संयुक्त परिवार के प्रतीक दादा पोता दौड़ प्रतियोगिता में खेताराम सेजू और उनके पोते विशाल को प्रथम, लक्ष्मण सिंह और उनके पोते नीरज को द्वितीय एवं भट्टाराम और उनके पोते हुक्मा राम को तृतीय स्थान मिला। पति पत्नी दौड़ प्रतियोगिता में सवाई राम व उनकी धर्मपत्नी लता प्रथम, कमल किशोर व उनकी धर्मपत्नी नेहा द्वितीय एवं फरज सिंह व उनकी धर्मपत्नी रितु तृतीय स्थान पर रहे। पणिहारी मटका दौड़ प्रतियोगिता में राधा जांगिड़ प्रथम, मीना नामा द्वितीय एवं नेतर मेघवाल तृतीय स्थान पर रही। राजस्थानी वेशभूषा प्रतियोगिता में श्वेता सोनी को प्रथम, राधिका सोनी को तृतीय एवं नेहा को तृतीय स्थान मिला। रस्साकस्सी प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग के प्रथम मुकाबले में मीडिया प्रतिनिधियों ने नगर परिषद की टीम को तथा द्वितीय मुकाबले में बीएसएफ टीम ने सिविल डिफेंस की टीम को पराजित किया तथा पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में बीएसएफ ने मीडिया टीम को हराया। इसी प्रकार महिला वर्ग में ग्रामीण और शहरी महिलाओं के मध्य प्रतियोगिता में अलग अलग मुकाबले हुए। इनमें अंतिम रूप से शहरी युवतियों की टीम विजयी रही। प्रतियोगिताओं की कड़ी में सर्वाधिक लोकप्रिय थार श्री एवं थार सुंदरी प्रतियोगिता के प्रति दर्शकों का काफी उत्साह रहा। इस वर्ष का थार सुंदरी का खिताब चंचल जांगिड़ के नाम रहा। इस प्रतियोगिता में निशा चौधरी द्वितीय एवं डिंपल सोनी तृतीय स्थान पर रही, जबकि थार श्री विजय गर्ग चुने गए। थार श्री मुकाबले में ओम प्रकाश तृतीय एवं वगताराम तृतीय स्थान पर रहे। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी, प्रतियोगिता समन्वयक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मुकेश पचौरी, ओम जोशी, दीप सिंह भाटी, डॉक्टर बंशीधर तातेड़ आदि द्वारा किया गया। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।